जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जयदीप। स्वागत है ऑप्शन गेनर के एक नए वीडियो पे। तो स्मॉल कैप और मिड कैप पे जो है वो अभी सेलिंग चल रही है, एंड वहीं पे निफ्टी हमारा बुलिश है। तो आप देखोगे तो ये स्मॉल कैप का इंडेक्स है। तो ये जानने के लिए कि कहाँ तक आखिर स्मॉल कैप में गिरावट आ सकती है, मैंने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया। तो पुल बैक के लिए सबसे बेस्ट होता है फिबोनाची। तो अगर आप देखोगे तो ये जो यहाँ पे ये जो हाई ये कटा था, और वहाँ से जो फिर रैली आई थी तो काफ़ी बड़ा रैली आया था एक कोविड में ये गिरावट के बाद से। अब देखो काफ़ी बड़ा रैली आया था स्मॉल कैप में। आई मीन दो ये मार्च पिछले साल 2020 से लेके रैली जो चली थी वो 2 अगस्त 2021 तक चली थी। और उसके बाद से ये पहली बार इतना लंबा करेक्शन मतलब दे रहा है, कंसोलिडेशन भी नहीं कर रहा है, डायरेक्ट गिर रहा है। तो ठीक है, तो ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। अभी लार्ज कैप भाग रहा है तो मार्केट में पैसा रोटेट होता है। तो यहाँ पे मैंने पुल बैक लगा कर रखा है फिबोनाची का। तो जो मेन पॉइंट है वो है 2473, एंड अभी ये है 2542 पे ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पे एक 20 पीरियड का EMA भी आ रहा है। ठीक है, मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, या ठीक है, ये जो पॉइंट है ये हमें लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट एक मिलना चाहिए। ठीक है, स्मॉल कैप को। बट अगेन आई रिपीट कि ये एक टेक्निकल जस्ट एनालिसिस है। स्मॉल कैप में बहुत सारे मतलब स्टॉक्स हैं जो अलग अलग चीज़ों के कारण से जंप करते हैं, तो इस इंडेक्स पे ज़्यादा आप रिले नहीं कर सकते हो। बट अगेन ये सेल ऑफ अभी रुका नहीं है, एंड क्लियरली कहीं से भी डायरेक्ट पुल बैक तो नहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो हम ये जो 0.61 का लेवल है इसको हम मान सकते हैं कि यहाँ पे शायद एक गिरावट थोड़ी सी ठहरे। 0.78 का लेवल तो क्रॉस कर दिया है आज। एंड वहीं पे मिड कैप की भी बात कर ले तो मिड कैप कंसोलिडेटेड है। मिड कैप में अगर मैं यहाँ से देखता हूँ जो ये पिछला ये था, तो फिर उसके कंपेयरली अभी तो ये थोड़ा सा और गिरावट देख सकते हैं। बट अगर मैं ये वाला जो है पिछला जो गिरावट है उसको अगर मैं मानता हूँ, तो हम देखेंगे कि 0.78 पे ही मिड कैप जो है वो अपना ये लेने पे कोशिश कर रहा है। बट अगर मैं बढ़िया से बोलूँ, अगर ठीक ठाक बोलूँ, तो अभी भी जो है 2200 मतलब और 500 पॉइंट्स की गिरावट आ सकती है मिड कैप में। ठीक है, तो ये था आपके लिए स्मॉल कैप और मिड कैप। कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स पकड़ के रखिए। ये गिरावट आपके लिए एक मौका है अपने जो विनर्स हैं उनको और एवरेज आउट करने का, और लूजर्स तो आपको अब इसमें पता चल ही रहे होंगे। तो लूजर को सही टाइम पे जब पुल बैक रिवर्स आए तब बेचिएगा, अभी इस गिरावट में बेचने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अपने विनर्स के साथ बने रहिएगा। एंड मीनवाइल अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। ऑप्शन गेनर हमारे चैनल का नाम है, ग्रीन नॉट ग्रीड हमारा मकसद है, एंड काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ भी हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।